तो बच्चों, और हाँ, बीदर में जो मोहम्मद गवाह मदरसा है वो भी बहमनी हुकूमत ने बनाया गया। मोहम्मद गवाह ने बनाया, जो प्राइम मिनिस्टर था। वो 242 फीट चौड़ा है, 222 फीट लॉन्ग है, ठीक है, 222 फीट लॉन्ग है और लंबा और चौड़ा वाइड, इसकी वाइडनेस कितनी है, 242 फीट। इसी तरह 56 फीट हाइट है और 3 स्टोरी बिल्डिंग है, यानी 3 मंजिला बिल्डिंग है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई ऊंचाई कितनी है, 56 फीट, ठीक है। द बिल्डिंग विच इज मोर देन 5 सेंचुरीज ओल्ड अपीयर्स टू बी डिक्लेयरिंग इट्स ग्लोरी, यानी 500 साल से भी ज्यादा पुरानी बिल्डिंग है। और ये आप देख सकते हैं शहरे गुलबर्गा की हमारी जामा मस्जिद, और ये देख सकते हैं सरकार बंदर आवास की बारगाह, जो बहमनी खानदान के बादशाहों ने बनाई थी। और ये है वो मदरसा जो मोहम्मद गवां के नाम से मशहूर है। 3 मंजिला इमारत है, 242 फीट ये लेंथ है, 222 फीट वेड है और 56 फीट इसकी हाइट है, ओके। आफ्टर मोहम्मद गवां, बहमनी किंगडम डिड नॉट कंटिन्यू इट्स रूल स्ट्रॉन्गली। द सुल्तान हु केम टू पावर आफ्टर मोहम्मद थ्री वाज इनकॉम्पिटेंट टू रूल। आफ्टर मोहम्मद थ्री मोहम्मद केम टू पावर बट ही वॉज ए लिटिल बॉय एंड कुड नॉट रूल द किंगडम। द लास्ट किंग वॉज सुल्तान खलीमुल्ला शाह। आफ्टर हिज डेथ बहमनी किंगडम वॉज ब्रोकन इन टू 5 स्टेट्स ऑफ शाही, ठीक है। मोहम्मद गवां के बाद जो बादशाह आए, मोहम्मद गवां तो खैर प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन उसके बाद जो बहमनी हुकूमत में बादशाह आए वो उतने स्ट्रॉन्ग, उतने बोल्ड नहीं थे, ठीक है। द सुल्तान हु केम टू पावर आफ्टर मोहम्मद थ्री, यानी ताजुद्दीन फेरोज शाह के हुकूमत के बाद, जो यानी मोहम्मद थ्री के हुकूमत के बाद जो सुल्तान आए, फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद नाम के बाद जो जो बादशाह आए, वो उनकी उम्र अभी छोटी थी, वो उतनी कामयाबी से हुकूमत नहीं चला सक रहे थे, ठीक है। और बहमनी हुकूमत के जो आखिरी बादशाह गुजरे उनका नाम सुल्तान कलीमुल्ला शाह था, और इनके मरने के बाद, बहमनी खानदान के आखिरी बादशाह के मरने के बाद, बहमनी खानदान 5 अलग अलग हिस्सों में बट गई। एक आदिल शाह ऑफ बीजापुर, बारिद शाह ऑफ बीदर, कुतुब शाह ऑफ गोलकुंडा, निजाम शाह ऑफ अहमदनगर, इमाद शाह ऑफ देरार, ठीक है। बहमनी हुकूमत अब 5 अलग अलग हिस्सों में बढ़ गई। एक हिस्से के बादशाह आदिल शाह ने की, दूसरे हिस्से पर जो बिदर में था उस पर हुकूमत बारिद शाह ने की, कुतुब शाह ऑफ गोलकुंडा इन्होंने भी बहमनी हुकूमत के हिस्से पर हुकूमत की, और अहमदनगर के जो निज़ाम थे उन्होंने भी बहमनी हुकूमत के हिस्से पर अपने कब्जा जमाया, और इमाद शाह ऑफ देरार। अब आइए फर्स्ट पढ़ते हैं आदिल शाह ऑफ बीजापुर के बारे में। यूसुफ उद्दीन यूसुफ आदिल खान वॉज द फाउंडर ऑफ आदिल शाह डायनेस्टी, ठीक है। आदिल शाह हुकूमत का जो की जो बुनियाद रखने वाले, इन्हें जो शुरुआत करे, उनका नाम क्या था, यूसुफ आदिल खान, ठीक है। ये बीजापुर के थे। आदिल शाह की हुकूमत कब तक चली, 1489 से लेकर 1686 तक। इस हुकूमत के बादशाह कौन कौन गुजरे ये देखिए। यूसुफ आदिल खान सबसे पहले ये थे जिन्होंने आदिल शाह हुकूमत की बुनियाद रखी। उसके बाद इस्माइल आदिल खान ने हुकूमत की, उनके बाद इब्राहिम आदिल शाह ने हुकूमत की, उसके बाद अली आदिल शाह वन इन्होंने हुकूमत की, उसके बाद इब्राहिम आदिल शाह सेकंड इन्होंने हुकूमत की, उसके बाद मोहम्मद आदिल शाह इन्होंने हुकूमत की, उसके बाद अली आदिल शाह सेकंड इन्होंने हुकूमत की, उसके बाद सिकंदर आदिल शाह, ये सारे आदिल शाह खानदान के बादशाह गुजरे हैं। सबसे पहले हुकूमत किसने की, यूसुफ आदिल खान ने। इन्होंने ही आदिल शाही हुकूमत का की संगे बुनियाद रखी। ही वॉज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड टॉलरेंट टूवर्ड्स अदर रिलीजन, यानी वो बहुत कामयाब बादशाह थे। कौन, यूसुफ आदिल खान, और हर मजहब को बर्दाश्त करते थे, कोई मजहब के खिलाफ नहीं जाते थे। आफ्टर हिम इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड केम टू द पावर।
यूसुफ आदिल खान के बाद इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड ने इस आदिल शाही खानदान की हुकूमत को संभाला। इब्राहिम आदिल शाह हैड द सेकेंड वाज द ग्रेट किंग अमंग अदर सुल्तान्स। ठीक है, आदिल शाही खानदान के बादशाहों में से इब्राहिम आदिल शाह बहुत बड़े बादशाह गुजरे, बहुत मशहूर, बहुत अजीम बादशाह गुजरे हैं, बहुत बड़े और बहुत ग्रेट बादशाह गुजरे हैं। किंगडम वॉज एक्सपैंडेड एंड बिकेम रिच इन हिज पीरियड। इनकी हुकूमत में आदिल शाही हुकूमत को बहुत ज़्यादा तरक्की हुई और बहुत ज़्यादा पैसा और दौलत हासिल हुई। ही हैड अ टाइटल कॉल्ड जगत गुरु बादशाह, और आज इब्राहिम आदिल शाह को जगत गुरु बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है, यानी बहुत से बादशाहों के टीचर। ही वॉज टॉलरेंट ऑफ अदर रिलीजियस। यूसुफ आदिल खान के की ही तरह इब्राहिम आदिल शाह भी जो है हर मजहब को साथ में लेकर चलने पर यकीन रखते थे। ही शेल्टर्ड मनी हिंदू फिलोसफर्स पोएट्स एंड म्यूजिशियंस इन हिज कोर्ट। इसके जो महल है इब्राहिम आदिल शाह, इस महल में बहुत से हिंदू समाज के पोएट लिखने वाले पोएट्स और शायरी करने वाले शायर और म्यूजिशियंस यहाँ पर रहते थे। ही रिनोवेटेड दत्ता टेम्पल्स इन स्पोर्ट एंड एनकरेज पूजा रिचुअल्स। ही वर्क फॉर द कल्चरल हारमोनी ऑफ हिंदू मुस्लिम। हिंदू और मुसलमानों के बीच में गंगा जमुनी तहजीब को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने बहुत काम किया। ही रोट ए बुक कॉल्ड किताब नवारस एंड ट्राइड टू मेक म्यूजिक पॉपुलर अमॉन्ग मुस्लिम्स। ठीक है, नवारस म्यूजिक पर इन्होंने किताब भी लिखी और म्यूजिक को मुसलमानों में फैलाने की इन्होंने कोशिश की। द बुक बिगिन्स विथ वर्कशिपिंग द गॉड्स लाइक गणपति, सरस्वती, भैरावा एंड अदर्स। ही हिमसेल्फ वॉज ए ग्रेट म्यूजिशियन। इब्राहिम रोजा वॉज विच इज फेमस फॉर इट्स आर्किटेक्चर वॉज बिल्ट बाई हिम। इब्राहिम रोजा जो बीजापुर में आज भी है, ये इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड ने ही बनवाया था। ये इब्राहिम रोजा है जो एक खूबसूरत मंजर आपके सामने पेश कर रहा है। इतनी बड़ी खूबसूरत इमारत बहुत बेहतरीन इंजीनियरिंग के साथ और बहुत बड़ा गार्डन आप देख सकते हैं। इसके बाद बारिद शाह ऑफ बीदर। व्हेन बहमनी स्टेट वॉज स्कैटर्ड इनटू मैनी प्रोविंसेस, यानी बहमनी हुकूमत को अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में जब बांट दिया गया तो बारिद शाह रूल्ड दक्कन बीदर। तो बीदर पर बारिद शाह ने हुकूमत की। ठीक है, बीदर का हिस्सा बारिद शाह ने ले लिया और उस पर हुकूमत की। एंड अदर रीजन्स अराउंड इट्स। कासिम बारिद वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। कासिम बारिद जो है बीदर की हुकूमत, बीदर के में बहमनी हुकूमत की बुनियाद रखने वाले कौन थे? कासिम बारिद शाह। याद रखें, बहमनी हुकूमत जो अलग अलग हिस्सों में बढ़ गई थी, बीदर भी बहमनी हुकूमत का हिस्सा था। बीदर पर हुकूमत करने वाले कासिम बारिद शाह इनका नाम है। ठीक है, आफ्टर हिम इब्राहिम एंड हिज ब्रदर कासिम हु रूल्ड बीदर वेयर इनकॉम्पिटेंट किंग्स एंड बिकॉज ऑफ देयर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स दिस डायनेस्टी डिक्लाइंड। कासिम बारिद के बाद इब्राहिम और कासिम, ये दो भाई हैं। कासिम बारिद अलग है और कासिम अलग है। कासिम बारिद के मरने के बाद इब्राहिम और कासिम, ये दो बादशाहों के दो भाइयों के बीच में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, इसी वजह से बहमनी हुकूमत बीदर में ख़त्म हुई। देन इब्राहिम आदिल शाह ऑफ बीजापुर कैप्चर्ड बीदर। इन दोनों भाइयों की लड़ाई का गलत फ़ायदा उठाकर इब्राहिम आदिल शाह जो बीजापुर में हुकूमत कर रहा था, उसने इन दोनों को मार गिरा कर बीदर पे उसने अपना कब्जा जमाकर हुकूमत किया। लाइक दिस बारिद शाह किंगडम वॉज मर्ज इंटू इब्राहिम। इस तरह बीदर की जो बारिद शाह की हुकूमत थी, कासिम बारिद की हुकूमत थी, वो बीजापुर हुकूमत में मिला दी गई। कुतुब शाह गोलकुंडा। कुली कुतुब शाह ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट गोलकुंडा स्टेट। गोलकुंडा नाम का एक स्टेट था। ठीक है, ये बहमनी किंगडम में गोलकुंडा के नाम से एक रियासत थी। उस रियासत में हुकूमत करने वाले सबसे पहले बादशाह कौन? कुली कुतुब शाह। ही रूल्ड द स्टेट विद गुड एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन 1543 ही वॉज किल्ड बाई हिज ओन सन। कुली कुतुब शाह एक बहुत कामयाब हुकूमत चलाते थे और बहुत बेहतरीन बादशाह थे और बहुत बेहतरीन